टची टॉपिक जिस पर आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ, आर्मी पब्लिक स्कूल इन रावलपिंडी पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे एक अटैक हुआ था जिसके अंदर बहुत सारे लोगों बच्चों की जाने गई थी उस स्कूल में से। और यार यही है कि कुछ बोला नहीं जाता, गला भर आता है, दिल भर आता है उसके बारे में सोच के, क्योंकि वो मासूम बच्चे थे। जैसे हम अपने घर में अपने छोटे भाई बहन को देखते हैं ना, वो वही बच्चे थे, नॉर्मली स्कूल जा रहे थे, उनकी कोई गलती नहीं थी और वो चले गए। बच्चे नहीं, बड़े भी गए। वो जो लॉस हुआ था ना तब पाकिस्तान में, उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी ज़िंदगी में। और आज भी वो सारे फैमिली मेंबर्स, जिनके परिवार वाले, जिनके दोस्त, जिनके बच्चे गए हैं ना, वो रोते हैं। तो इट्स अ स्मॉल ट्रिब्यूट, बाबा मेरे प्यारे बाबा इस वीडियो का टाइटल है। तो आई नो माहौल बहुत इमोशनल होने वाला है, पर आई जस्ट होप कि ये जो चीज़ हुई थी ना वहाँ पे, ये कभी भी कहीं पे भी दुनिया में ना हो। हर जगह जुल्म होते रहते हैं, एक जुल्म से आप उभरते नहीं हो तब तक दूसरा खड़ा हो जाता है। दिल से यार वर्ल्ड पीस कायम हो जाए, पर हम तो विश करते रहते हैं, ऊपर वाला जब चाहेगा तभी वो चीज़ कायम हो पाएगी। खैर अभी अपन इस वीडियो पर रिएक्शन करते हैं। इस बच्चे ने बहुत ही प्यारे तरीके से गाना गाया होगा, तो आप सब इसको एक्सपीरियंस करिएगा, अपने दिल में उतारिएगा। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हैं, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आई डोंट नो व्हाई एम आई, मतलब एक नर्वसनेस है इस वीडियो पे रिएक्शन करने से पहले। एक डर लग रहा है कि शायद मैं भी इमोशनल हो जाऊंगी ये वीडियो देख करके, पर अगर इमोशनल हो जाऊंगी तो इट्स ओके, क्योंकि वो इतना दुख वाला सीन क्रिएट हुआ था तब यार। स्मॉल एंड क्यूट बेबी, सा बच्चा। Oh,
चलने दो तालियां यार। इसके कंपैरिजन में कुछ नहीं है, इस वीडियो के कंपैरिजन में देयर इज नो वीडियो इन द होल वर्ल्ड। ऑनेस्टली आई डू नॉट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस व्हाट आई फील राइट नाउ। आई एम लाइक एक बहुत ही इंटेंस फील में पहुंच गई इस वीडियो को देखने के बाद, इस ऑडियो को सुनने के बाद, कि कैसे कैसे यार वहाँ पे बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए, कुछ माँ बापों के बच्चे चले गए हमेशा के लिए, और मतलब एक गुड बाय भी नहीं कह पाए ना वो। जब एक इंसान को बीमारी होती है और फिर वो इस दुनिया से जाता है ना, तो यू काइंड ऑफ लाइक आपको दिमाग में पता होता है ना कि हाँ यार वो जाएगा। दुख बहुत होता है तब भी, बट देर इज लाइक एक मेंटल स्टेबिलिटी तो होती है। ऐसे जो APS में हमला हुआ था उसमें जो जाने गई हैं, जो लोग शहीद हुए हैं ना, कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं, एंड खटके से एक चुटकी में सारी जाने गई। नथिंग इन दिस होल वर्ल्ड कैन बी मोर पेनफुल देन दिस वन। बहुत दर्दनाक हादसा था, पता नहीं कैसे ना संभाला। बहुत सी ऑनेस्टली आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ लाइक हार्डशिप्स इन माई लाइफ। बहुत सारी चीज़ों से गुजरी हूँ मैं। दिस इज नॉट द टाइम टू रिवील ऑल दीज थिंग्स। कभी ना कभी मैं आपको पक्का से, यू आर माई फैमिली, एंड वेन आई से इट मैं मजाक नहीं कर रही होती हूँ। आप कभी मुझे सड़क पे मिलेंगे ना, एक बार देखिएगा कि मैं, मेरे को कितना कितनी खुशी होती है। एक दिन जरूर बताऊंगी कि वॉट आई हैव बीन थ्रू इन माई लाइफ। तो इतना मैं समझ सकती हूँ कि ये जो ट्रॉमाज होते हैं ना, इनसे निकलने में सालों लग जाते हैं, इनसे हील होने में, वो जो जख्म दिल पे लगते हैं ना भाई। जब भी वो बच्चा गा रहा था ना, तभी एकदम से देख के फीलिंग आ जाती है कि यार ये इतना मासूम बच्चा, इतना इनोसेंट बच्चा, इसकी मतलब इस जैसे छोटे 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 प्यारे प्यारे बच्चों की कोई जान ले कैसे सकता है। पर इस दुनिया में हैवानों की तो कमी है नहीं। वो ये नहीं सोचेंगे कि इस बच्चे की क्या कसूर है जो मैं इसकी जान ले रहा हूँ। वो बस चंद पैसों के लिए कर डालेंगे ये काम। अल्लाह जो है वो सब देखता है, और जो कोई भी गलत काम कर रहा है ना, उसको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बच्चा है। CCTV कैमरा बेशक हर जगह नहीं लगा, पर उसकी निगाहें हम पर हमेशा रहती हैं, इतना हमें अच्छे से पता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और इस चैनल पे सपोर्ट कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू सी मोर लव स्प्रेडिंग वीडियोज लाइक दिस वन। बाय।